सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. ओके, सी इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, एज वी नो कंप्यूटर्स ऑपरेट्स ऑन 0 और 1 बिट. ओके, 0 और 1 बिट जो होती है उसी पे वर्क होता है. ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है वो क्या समझता है, 0 और 1 बिट समझता है. इसी 0 और 1 बिट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 बिट्स वी गेट द इंस्ट्रक्शंस. ओके, इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक वर्ड बोला जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस. ओके, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जिससे हमें कुछ नॉलेज मिल रही है. ओके, नॉलेज इन द सेंस, हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, डिजिट्स को इनपुट कर देते हैं, अल्फाबेट्स इनपुट कर रहे हैं. ओके, बट कंप्यूटर्स इन अल्फाबेट्स को थोड़ी समझ रहे हैं, डिजिट्स को नहीं समझ रहे, वो सिर्फ 0 और 1 को समझ रहा है, क्योंकि इसके जो हार्डवेयर है जिस पे ये लिखा हुआ है कोडिंग, मदरबोर्ड पे. ओके, मदरबोर्ड पे बहुत सारी चिप्स हैं, जो डेटा लिखा हुआ है, बैकएंड में चल रही है ये प्रोसेसिंग, वो सब कन्वर्ट हो रही है. वो सब अल्फाबेट्स और डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 0 और 1 में. और ये कन्वर्ट जो होता है, ये कन्वर्जन कौन करता है, कंपाइलर, असेंबलर्स. ओके, वो सब कन्वर्ट कर देते हैं, वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो. और जब हम मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हो, या आप अपने मोबाइल्स पे जो देख रहे हो डेटा, वो सब फिर से कन्वर्ट होके, मशीन लैंग्वेज फिर से कन्वर्ट होके हमको किस में दिखाई देती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में दिखाई देती है. ठीक है, तो इसी टाइप से सी लैंग्वेज का भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है, टर्बो सी नाम से जाना जा रहा है जिसे. ठीक है, तो ये जो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, ये किसने डेवलप किया है, ये बता रहे हैं, ये डेनिस रिची ने डेवलप किया है. ओके, तो द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. और वाई इट इज डेवलप्ड, फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस. ओके, सिस्टम, हम जो ये कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसमें और एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो इन प्रोग्राम्स का क्या यूज होता है, फर्दर एप्लीकेशंस में यूज होता है. आगे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेंट करने हो उसमें यूज होता है, इसलिए सी लैंग्वेज बनाई गई है. ओके, सी लैंग्वेज इज क्रिएटिंग फॉर डेवलपिंग द सिस्टम एप्लीकेशंस दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर. और ये इंटरेक्ट किसके साथ करती है, हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स. ओके, ड्राइवर जैसे कार का ड्राइवर है आपका, है ना, बाइक का ड्राइवर है, इसी टाइप से इस मशीन को चलाने के भी ड्राइवर्स होते हैं, राइट. कर्नल्स, शेल, कर्नल जो मैन्यूपुलेशंस करते हैं, ड्राइवर तो ड्राइव कर रहा है. ओके, और कर्नल्स जो भी, जो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, समझ रहे हो. तो ये क्या है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंट्रक्शन जो करता है वो कौन कर रहा है, ये कह रहे हैं कि सी लैंग्वेज कर रही है, समझ रहे हो. तो सी लैंग्वेज ने डेवलप, सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया है, डेनिस रिची ने. एक पॉइंट तो आप ये याद रखोगे. और ये सी लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई, फॉर क्रिएटिंग द सिस्टम्स एप्लीकेशंस, सिस्टम के एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेवलप करी गई है. और ये जो एप्लीकेशंस है, ये किसके साथ इंटरेक्शन करती है, इट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शन करती है. मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अभी तो अपन सिंपल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन ये जो कोडिंग है ना, सी लैंग्वेज की कोडिंग पहले ही लिख दी गई है, ड्राइवर्स इसे यूज कर रहे हैं, कर्नल्स यूज कर रहे हैं. ओके, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो यूज कर रही हैं, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बता रहे हैं ये, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज अपना मदरबोर्ड पे राइटिंग करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज कर किया
किया जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में भी सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, राइट? अब नेक्स्ट क्या पॉइंट बता रहे हैं ये, सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज, सी लैंग्वेज को कंसीडर किया गया है एज द बेस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब इसे बेसिक लैंग्वेज बताया गया है। सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने नाम सुने होंगे लैंग्वेजेस के, जैसे सी के बाद सी प्लस प्लस आ जाता है, जावा, सी शार्प भी कही जाती है, ओके, और आपके PHP का नाम सुना होगा आपने, ASP.NET, राइट? तो ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये बता रहे हैं कि इन लैंग्वेजेस को बनाने में भी किसका यूज किया गया है, सी लैंग्वेज का। तो इसे बेस ऑफ अदर लैंग्वेजेस कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो कौन कौन से पॉइंट्स हुए कि ये डेवलप किसने किया, डेनिस रिची ने, ओके, और ये किस लिए डेवलप की गई, सिस्टम एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्शन के लिए, ठीक है? और ये हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, ठीक है? हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ ये इंटरेक्शन करती है, और इट इज़ द बेस फॉर अदर लैंग्वेजेस, ये अदर लैंग्वेजेस के लिए बेस प्रोवाइड करती है, बेस, ओके, क्योंकि इसका यूज़ करके ही दूसरी लैंग्वेजेस लिखी जाती है। यही सिंटेक्सेस आपके काम आएंगे, फर्दर आप जब लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो यही सिंटेक्सेस आपके काम आएंगे, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज़ करोगे, स्कैन एफ स्कैनिंग करने के लिए, इनपुटिंग कराने के लिए, और प्रिंट एफ स्क्रीन पे आउटपुट के लिए यूज करते हैं अपन, इसकी जगह सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट आ जाएंगे। आप देखेंगे PHP में इको आ जाएगा, जावा में राइट आ जाता है, ASP में भी इस टाइप से, मतलब डिफरेंट अपने मोड्स हैं, ओके? और इसी कारण सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, ये कह रहा है दैट इज वाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज नोन एज द मदर लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। अब ये बता रहा है कि सी लैंग्वेज को हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है? इसके और क्या क्या निक नेम्स हैं ये बता रहा है। फर्स्ट इज सी इज कॉल्ड एज अ मदर लैंग्वेज, इसको मदर लैंग्वेज कहा जा रहा है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये सब आपको रटना है, देखो थ्योरी के पेपर में ये लिखना है, इसके साथ साथ आपको प्रोग्राम्स तो बनाने ही है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यदि आप प्रोग्राम्स नहीं बनाओगे ना, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना ये, तो थ्योरी के साथ साथ आपको माइंड में जो मैंने प्रोग्राम बताया है वो भी रखना है, ठीक है? और उसको लिखना भी है। इसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कही जाती है सी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज सी इज एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये कह रहा है कि सी लैंग्वेज को हम ये नाम दे सकते हैं, ये पांच नाम दे दिए इसमें सी लैंग्वेज को। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं, ये बता रहा है सी एज अ मदर लैंग्वेज, जैसा कि हमने पढ़ा कि सी इज अ बेसिक लैंग्वेज, ओके, बाय यूजिंग द सी वी कैन राइट अदर लैंग्वेजेस, ओके, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स फॉर ड्राइवर्स, कर्नल्स, राइट? इसके बारे में पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज अ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही है, ये बता रहा है कि उसमें सी लैंग्वेजेस का यूज होता है, बिकॉज
मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स। ओके, कंपाइलर क्या होता है, जैसे कि जीरो और वन बिट ही समझता है ना, ये मशीन ही मशीन है ये, तो ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज समझ रहा है जीरो और वन बिट। तो हम जो कीबोर्ड से फीड कर रहे हैं डेटा, अल्फाबेट्स डिजिट को एंटर करा रहे हैं, तो कंपाइलर उसे क्या कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। और जब ये मैनिपुलेशन हो गया जीरो और वन बिट का, इसकी मेमोरी में फीड हो गया है और प्रोसेसिंग यूनिट ने उसका आउटपुट दे दिया, तो अगेन क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज किस में चेंज होके हमको दिखाई देती है, कंपाइलर उसे किस में चेंज कर देता है, अगेन हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, हमको तो मॉनिटर स्क्रीन में वो ही दिखाई दे रहा है ना जो हमने इनपुट किया है, और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, कंपाइलर्स कर रहे हैं। और कंपाइलर्स जो है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज का यूज करके लिखे गए हैं, इसलिए इसे मदर लैंग्वेज कहा जा रहा है। देखो ये क्या बता रहा है, और मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स JVMs जावा वर्चुअल मशीन्स, ये आगे जावा वगैरह में काम आती हैं। ठीक है, कर्नल्स जैसे आपके विंडोज वगैरह में शेल कर्नल्स होते हैं मेन, जहाँ से हमारी प्रोग्राम की स्टार्टिंग्स होती है। ठीक है, तो ये नाम याद रख लो, आगे तुम्हें धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, एटसेट्रा आर रिटन इन सी लैंग्वेज, ये सब जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये बता रहा है, ये सब किस में लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज में। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो सी सिंटैक्स, मतलब सी के सिंटैक्सेस आप पढ़ोगे ना, अभी तो हमने सिर्फ प्रिंटएफ और स्कैनएफ देखा है, आप ऑपरेटर्स पढ़ोगे, प्लस सिंबल का यूज कर रहे हैं हम, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, इक्वल टू डबल इक्वल टू, तो ये सी लैंग्वेज का यूज करते ही आगे लैंग्वेजेस में हम इन्हीं को यूज करेंगे, सी सिंटैक्सेस को। इसलिए इसने बोल दिया कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो सी सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ओके, तो इस टाइप से लैंग्वेजेस हैं ये, सी लैंग्वेज का यूज कर रही है, दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड एज अ मदर लैंग्वेज। सी आल्सो प्रोवाइड्स अस द कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग एटसेट्रा। ओके, दीज आर द टॉपिक्स वी फर्दर रेड अबाउट। ओके, एरेज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, फंक्शंस एज लाइक वॉइड मेन, आप वॉइड मेन यूज कर रहे हैं अपन फंक्शन, तो उसी तरीके से और भी फंक्शन, जैसे आप सी एल आर एस सी आर फंक्शन यूज कर रहे हैं, गेट सी एच फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, फाइल हैंडलिंग, इट मीन्स एस टी रो डॉट एच आप यूज कर रहे हो, ऊपर कॉन्यू डॉट एच यूज कर रहे हैं, ये फाइल्स है बनी बनाई। ओके, बैकहेंड में ये फाइल की हैंडलिंग हो रही है, और ये सब किस में लिखी गई है, सी लैंग्वेज में, राइट, दैट आर बीइंग यूज्ड इन मैनी लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प, ओके, जावा एटसेट्रा, वही चीज लिख दिया आपको। ये देखो दो तीन लैंग्वेजेस के नाम याद रखने होंगे, तो कहने का मतलब ये आपको क्या क्या याद रखना है, कि सी को एक मदर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये फर्दर जितने भी लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हो रहा है उसमें सी का यूज करते हुए बनाई जा रही है, सी के सिंटैक्सेस यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, सी एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है सी को, इसके बारे में ये क्या बता रहे हैं, अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, हार्डवेयर टेंजिबल एंटिटीज, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एंटिटीज, फर्दर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एप्लीकेशन एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, Whenever our booting process starts, then all the system softwares activates, then we can apply application softwares. ठीक है, तो system software आपका क्या होता है, जब आपका system start होता है ना, electricity से हमने connect किया, booting process start हुआ, हमारा computer start होने लगा, जैसे आप mobile को operate करते हो, same वैसा ही है, right? तो
वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जब वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया, तो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई यूज की गई है ना, वो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज की गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी लैंग्वेज का यूज किया गया, और भी है, असेंबली भी इसमें मदरबोर्ड में यूज की जाती है, लेकिन सी लैंग्वेज आपकी बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज। इसका इसके सिंटेक्सिस का यूज आगे भी किया जा रहा है और इसमें किया गया है बहुत रूप में, ठीक है, बहुत बड़े रूप में यूज किया गया है, इसलिए ये बता रहा है कि इट इज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी 7, ओके, यूटिलिटीज फॉर यूजिंग द रैम और रोम। नाउ नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू, ये और किस लिए यूज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है। जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये नाम से मत समझना, लो है तो लो कैटेगरी है ना, हाई है तो हाई, इससे मतलब नहीं है। लो मतलब जो सबसे पहले बनाई गई है, समझ रहे हो, अब ये हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, इसमें मदरबोर्ड है, ओके, मेन तो यही बोर्ड है ना, मदरबोर्ड, इसके थ्रू ही तो सारी प्रोसेसिंग हो रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, ओके, तो सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। 01 बिट्स के अकॉर्डिंग सारी प्रोग्रामिंग करी गई है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होता है, ठीक है, तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग इसके लिए कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल इसने बता दिया, वही ड्राइवर कर्नल्स जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं वो सी ही है, इसलिए इसे कह दिया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग यूज की गई है, सी। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आप तो थियोरिटिकल पढ़ रहे हो, ओके, लेकिन इसके पीछे प्रोग्रामिंग भी तो हो रही है लैपटॉप में, वो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के थ्रू हो रही है, ठीक है, ड्राइवर कर्नल एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स कर्नल है ना, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज लाइक विंडोज इज रिटन इन सी। ये नाम तो मैं थोड़े अजीब से लगेंगे, धीरे धीरे तुम हैबिचुअल हो जाओगे, 5-6 महीने में ये नाम सब समझने लग जाओगे क्या है ये, है ना, कंप्यूटर्स के नाम है ये, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेजेस। इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, डॉट नेट, PHP एटसेट्रा, ठीक है, तो ये मतलब ये बता रहे हैं इसके सिंटेक्सेस तो यूज हो ही रहे हैं इसमें, है ना, इट कैन बी कांट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मतलब ये जो जावा, डॉट नेट, PHP है ना, ये आपके वेब पेजेस बनाने में भी काम आती है, समझ लो, इसकी स्क्रिप्ट्स काम आती है, ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज के सिंटेक्सेस तो यूज आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फर्दर और एक्सपांड की गई है, इसलिए ये बता रहा है, ये थोड़ा सा ये लैंग्वेजेस है नई, है ना, डॉट नेट है, PHP है, ये आपके फाइनल ईयर में आएगी सारी लैंग्वेजेस, लेकिन बेसिक अपना क्या है, सी लैंग्वेज है। इसके जैसे प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं हम, है ना, प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, C++ में हमने सी आउट यूज कर लिया, सीन यूज कर लिया, तो इन्हीं को ही देख के हमने दूसरी प्रोग्रामिंग, ऐसी तो डेवलपमेंट होता है हर चीज का, है ना, पहले जो काम हो जाता है, जो बेसिक हमारी लैंग्वेजेस बन गई है उसको देख के हम दूसरी लैंग्वेज, लेकिन इन्होंने क्या किया, और भी उसमें एडवांसमेंट करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बनाई गई है, ठीक है, जो इंटरनेट में प्रोग्रामिंग करने के काम आती है, समझ रहे हो, तुमने देखा होगा वेब पेजेस पे, मान लो अभी तुम जूम यूज कर रहे हो, है, जूम के थ्रू अपन इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि उसमें हर चीज ऐसा ही नहीं कि सी लैंग्वेज का यूज करते हुए की गई है, फिर वो नया इन्वेंशन हो गया, जैसे हम PHP का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या डॉट नेट का यूज कर रहे हैं, फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज की, जैसे PHP के बाजार में स्ट्राउट सब है डेवलपर, उन्होंने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नया इन्वेंशन भी किया, ठीक है, सी का कंसेप्ट लेके दूसरे इन्वेंशंस किए, लेकिन उसमें बिल्कुल सी लैंग्वेज के सिंटेक्सेस नहीं मिलेंगे, ओके, इसलिए इसने थोड़ा सा ये लाइन लिख दी कि इट कांट बी यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, डॉट नेट, PHP एटसेट्रा, ओके,
इसको आप नहीं लिखना चाहो तो भले इसको कट कर देना, और यदि समझ में आ जाता है आपके तो लिख देना, बाकी इसका रिपीटेशन होगा तो आपको और पता चलता जाएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या बता रहा है, सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ओके, सी एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सी एज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर जो हमने सी का प्रोग्राम किया था वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने पढ़े हैं अभी। थर्ड पॉइंट होता है आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये बताता है, प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग की जाती है। ओके, इसको हम कल लेके चल लेंगे, अभी ये काफ़ी सारा हो गया, इसमें ही जो डिस्कशन करना चाहे वो कर सकते हैं। आप इसके बारे में पूछिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके बारे में डिस्कस कीजिए।